दोस्तों आज की कहानी है माँ भाभी की सेवा कौन करेगा मायके भेज दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रात के 10 बज रहे थे। निशा अपने कमरे में बैठी पति का काफी देर से इंतजार कर रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी बगल में लेटी उसकी 8 वर्षीय बेटी ने पूछा, मम्मी कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए, पर जरा देखो तो तुम्हारे पापा कहाँ रह गए अभी? देखकर आती हूँ, बोल कमरे से बाहर निकली। मम्मी पापा दादी और बुआ सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। पापा ने कहा, चलो 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट के बाद भी जब नहीं आए तो निशा ने अपनी बेटी से वॉकर देने और वॉशरूम तक ले जाने में मदद करने को कहा। निशा हफ्ते भर पहले छत से उतरते समय सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कच्चा प्लास्टर और उसके बाद 1 महीने के लिए पक्का प्लास्टर लगाने को कहा। वॉशरूम से आई तो देखा अभी तक सभी बातें कर रहे थे। निशा सोच ने लगी, सभी मिलकर क्या बातें कर रहे हैं? दरवाजे के पास रखे चेयर पर बैठ वो बातें सुनने की कोशिश करने लगी तो सास की आवाज कानों में पड़ी। वो बोल रही थी, 1 सप्ताह हो गया है और 1 सप्ताह के बाद उसका कच्चा प्लास्टर हटाकर पक्का प्लास्टर होगा, तो तुम हॉस्पिटल से सीधा उसे मायके छोड़ देना, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है उसके लिए। खाना बनाना, कपड़ा धोना, दूध पानी, छोटे छोटे बहुत काम हो जाते हैं। इतना काम मैं अकेले कैसे करूंगी? तुम भी कितना करोगी? तुम्हारा अपना भी तो काम है, फिर छोटी ननद की पढ़ाई भी है, तो वो भी ज्यादा काम नहीं करेगी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है, मैं घर के काम करने लगी तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन माँ उसे कैसे मायके भेज दूँ? मायके में भी तो उसके मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं और वे भी बुजुर्ग हैं। ये तीनों जाएंगे तो और ज्यादा काम बढ़ जाएगा, अमर पति ने कहा। अरे तीनों को क्यों, दोनों बच्चों को रहने दो, मैं संभाल लूंगी, सिर्फ निशा को भेज दो, अकेली रहेगी तो कहाँ ज्यादा काम बढ़ेगा, फिर मम्मी पापा के पास रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, ज्यादा खुश रहेगी और उसकी माँ भी खुश रहेगी बेटी को देखकर। पर दोनों बच्चे माँ के बिना कैसे रहेगी? बड़ी तो फिर भी 8 साल की समझदार है, छोटी तो सिर्फ अभी 4 साल की है, वह माँ के बिना कैसे रहेगी?
अरे बेटा, एक दो दिन परेशान करेगी, फिर उसे आदत हो जाएगी। मैं उसे संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। ननद ने भी माँ की बातों को हाँ में हाँ मिलाया। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ निशा से। सारी बातें सुनते ही निशा के आंखों में आंसू आ गए। वह शेयर से उठकर बेड पर आकर बैठ गई। बेटी ने माँ की आंखों में आंसू देख पूछा, मम्मी आप क्यों रो रही हो? पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ, लेकिन हाँ पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। पर आप चिंता नहीं करो, मैं दवाई खाऊंगी तो आराम हो जाएगा। आप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है मम्मी, बोल। बच्ची चली गई। वह सोचने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? सालों से मैं अकेले घर का सारा काम करती आई हूँ। साय नाश्ता से लेकर लंच डिनर सब समय पर देती आई हूँ, और आज जब मुझे सब की जरूरत है तो मुझे मायके भेजने की बात कर रहे हैं। कोई मेरे लिए नहीं, यहाँ तक पति भी नहीं। ऐसे होते हैं ससुराल वाले, बहू सब के लिए पर बहू के लिए कोई भी नहीं। निशा को आज भी याद है वह दिन जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। कितना खुश थी वो और पति भी। सारी रस्में खत्म होते ही सास ने सबसे पहले यही कहा था, बेटा आज से हम दोनों सास बहू नहीं, माँ बेटी हैं। पीछे से ससुर जी ने भी यही कहा, हाँ बेटा तुम बहू नहीं मेरी बेटी हो। आज से मेरी एक नहीं दो दो बेटियां हैं। उसने भी पूरे तन मन से इस घर और सारे रिश्ते को अपना लिया। ननद तभी स्कूल में ही पढ़ती थी, बच्चों के जैसे उसकी देखभाल की, उसके स्कूल बैग पैक करना, टिफिन बनाना, उसे पढ़ाना सब किया, और आज वो सब भूल गई। आज उसे समझ में आ रहा था कि ये सारी बातें सिर्फ कतनी के लिए थी, करने के लिए नहीं। ससुराल में उसका अपना कोई नहीं है। तभी अमर हल्दी वाला दूध लेकर आया और निशा को देते हुए बोला, निशा एक बात कहो। हाँ कहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि तुम मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल होगी और ज्यादा आराम भी मिलेगा। जब डॉक्टर के पास जाना रहेगा तो मैं आ जाऊँगा। दोनों बच्चों को यहीं छोड़ दो, मम्मी संभाल लेगी और तुम अकेली वहाँ चली जाओ। या काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मम्मी अकेले कैसे करेगी? फिर छोटी की पढ़ाई भी तो है। ये सिर्फ आप सहते हैं या पूरा परिवार? आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं हमेशा आप सब के लिए एक पैर पर खड़ी रही, और आज जब मुझे आप सभी की जरूरत है तो मुझे मायके भेजा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आप सबको
मेरा खाना बनाना पड़ता है, मेरे कपड़े धोने पड़ते हैं। निशा ने दूध का गिलास रखते हुए जोर से कहा, अरे इतनी रात को इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो, धीरे बोलो ना, मुझे आप लोगों के जैसे खुसुर फुसुर करने नहीं आता, मैं जोर से ही बोलती हूँ ताकि सब सुने। मैं सारे काम सालों से अकेले सब के लिए करती आई हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोली, और जब मुझे आप सब की जरूरत है तो कोई मेरे साथ कोई नहीं, सबको भारी लग रहा है मेरा काम करना, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, मेरे मम्मी पापा भी बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं, अपना काम वे जैसे तैसे करते हैं, अगर मैं जाऊंगी तो कितना भारी हो जाएगा, मुझे ऐसी हालत में देख मम्मी पापा खुश होंगे कि उन्हें और तकलीफ होगी, बहू अच्छी हैं स्वस्थ हैं तो ससुराल का काम करे, और बीमार पड़ गई तो मायके चली जाए, अरे इतना क्यों सिल्ला रही हैं, पीछे से आती हुई सास ने कहा, क्या करूं माँ सिलाना पड़ा, अब चुप रहने से काम नहीं चलने वाला, आप मुझे इस हालत में कैसे मायके जाने कह सकती हैं, जबकि मैं ठीक थी तो हफ्ते भर से ज्यादा मुझे रुकने नहीं दिया जाता था, जब मैं आप सब का काम कर सकती हूँ तो आप सब को मेरा काम कुछ महीनों के लिए करने में कैसी शर्म, आप ही कहती थी ना कि मशीन में कपड़ा धोने में कैसी मेहनत, फिर मेरा कपड़ा मशीन में धोने में कितनी मेहनत लगेगी, आप सबको, आप सब का खाना बनाएगी, फिर मेरे अकेले का खाना बनाने में कितना ज्यादा समय लगेगा, और ननद उनकी तो हर छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने को मैं हमेशा तैयार रहती थी, आज वो भी मुझे मायके जाने की बात कर रही हैं, अरे तू गलत समझ रही हैं, मैं तो सोच रही थी कि तुम मायके में रहोगी तो ज्यादा आराम मिलेगा, ज्यादा खुश रहोगी, इसलिए माँ यदि आप सब सहेगी तो मुझे यहाँ भी खुशी और आराम मिल सकता है, पर आप सब नहीं सहते, लेकिन मैं भी अब आप सब की चिकनी सुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, ऐसी ही चिकनी सुपड़ी बातें करके आपने दोनों बेटियों के जन्म के समय भी मुझे मायके भेज दिए थे, पर अब नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, फिर पति की तरफ देखते हुए कहा, आप सबको मेरा काम नहीं करना है, मत करिए, मैं उम्मीद भी नहीं रखती, आप मेरा खाना बनाने के लिए एक रसोईया और काम करने के लिए एक मेड अलग से रख दीजिए, इतनी कमाई तो है आपकी और मैं इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकती हूँ, लेकिन जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगे,
फिर आप सब भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। किसी ने कुछ नहीं बोला। निशा भी दूध पीकर बिस्तर पर लेट गई। इतनी रात को क्या हंगामा हो रहा है? ससुर जी ने कमरे में आते हुए बोला। ससुर जी की बात सुनकर निशा उठकर बैठने लगी। उन्होंने उसे लेटे रहने को कहा। उन्होंने पत्नी और अमर की ओर देखते हुए फिर से पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर? अमर ने सारी बातें बता दी। फिर उन्होंने निशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मायके नहीं जाओगी, यहीं रहोगी हम सब के साथ, ना ही घर में तुम्हारे लिए कोई अलग से रसोईया आएगा और ना ही कोई मेड। हम सब मिलकर घर का काम करेंगे और तुम्हारे खाने पीने से लेकर दवाइयों का भी ध्यान रखेंगे। तू चिंता मत कर बेटा, कोई तेरे साथ हो ना हो, तेरा पिता तेरे साथ है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।